देखिए पहली बात तो ये है कि अदब आप किसको कह रहे हैं? अदब की कई सतहें हैं और कई किस्में हैं। एक तो पॉपुलर अदब है जो अखबारात में या पॉपुलर रिसालों में महनामों में शाया होता है, जिसे हम पॉपुलर अदब कहते हैं, अफसाने हैं या नॉवेल हैं जो रेलवे स्टेशन पे बिकते हैं वगैरह वगैरह। एक वो किस्म है जो अदीबों के दरमियान लिखा जाता है और तकसीम होता है, पढ़ा जाता है, जिस पर नकार गुफ्तगू करते हैं और उसको हम अदब कहते हैं। तो जहाँ तक ये जो चार बातें आपने जिक्र किया है, ये मेरा तो ख्याल है कि ये कोई 150 साल पुराना मौजू है। अब तो अदब इससे बहुत आगे निकल आया है। ये जो पिछली सदी थी यानी कि 20वीं सदी, इस सदी का मौजू मोहब्बत या औरत नहीं थी, अदब का मौजू। इस सदी का मौजू सियासत रहा है। और अगर आप इसको गौर से पूरे अदब का एक तफसीर से मुताला करें तो सियासी मामला इसका मदद रहे हैं और इसका मौजू रहे हैं। और अब 21वीं सदी में जब से ये 20 साल तकरीबन होने को आए हैं, तो इसमें तो इससे भी आगे निकल के मुझे लगता है कि रूहानियत इसका मौजू होने जा रहा है। तो ये मौजूद अगर आप पूरे अदब को देखें, चंद चीज़ों को छोड़ के बाकी पूरे अदब का मुताला करें, तो सिर्फ औरत या सिर्फ अदब मोहब्बत इसमें मौजूद नहीं रहा, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा मौजू है जो हमेशा अदब का मरकज रहना चाहिए और गैर जरूरी तौर पर उसको पिछली सदी में निकाला गया, जिसके नतीजे में इंसानियत गुमा हुए, इंसान का इंसान से ताल्लुक टूट गया और सियासत जो थी वो मरकज में आ गई। अभी आप देखें अदीबों की जो गिरोह है वो सियासी गिरोह बन गया, वो अदब के मौजू पर नहीं है, नजरियाती वाबस्तगियों पर। तो इसको निकाल कर अब हमें वापस मोहब्बत की तरफ आना चाहिए, इंसानियत की मोहब्बत की तरफ, रूहानी मोहब्बत की तरफ, और ये अदब का अगला कदम है मेरे ख्याल में।